तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी लोगों को। सबसे पहले हम बात करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? इट इज नोन एज इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर, है ना? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है? इट इज अ सर्किट, सर्किट बोर्ड विच हैव पोर्ट्स एंड सॉकेट्स विद ट्रांजिस्टर्स, ठीक है? ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है? कोटिंग टू कनेक्ट कंपोनेंट टूगेदर, राइट? और क्या होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है मदरबोर्ड में? जो जो चाहे आप इंटरफेस के द्वारा, चाहे पोर्ट्स के द्वारा, चाहे स्लॉट के द्वारा, चाहे सॉकेट के द्वारा, जो आप, जैसे एक मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड पे जो भी हम डिवाइसेस लगा रहे हैं, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, है ना, अलग अलग डिवाइसेस, तो ये कनेक्टिविटी कैसे करते हैं? यहाँ तो हम इंटरफेस से कनेक्ट कर लिए, बट इनमें आपस में कैसे होता है? तो बसेस के द्वारा होता है। यहाँ पे माइनर बसेस होते हैं, लाइंस आपको दिखेंगे, उनको हम बसेस बोलते हैं। तो उसी के द्वारा हमारा डेटा की सप्लाई होती है, या जो भी है कनेक्शन, जो भी पावर से इलेक्ट्रिक सिग्नल उसी के रास्ते से जाता है। तो मैं अभी आपको बसेस को दिखाता हूँ। तो ये चीज समय, दो तरह के बोर्ड होते हैं, एक प्लेन बोर्ड होता है, एक मार्क बोर्ड होता है। मतलब आप एक समझ लो कि एक ऑन बोर्ड होता है, एक एक्सटर्नल बोर्ड होता है, ठीक है? इंटीग्रेटेड बोर्ड होता है। इंटीग्रेटेड बोर्ड मतलब क्या होता है, जिस बोर्ड के ऊपर सारे डिवाइसेस, सारे इंटरफेस ऑलरेडी हो, उसको हम ऑन बोर्ड होता है, ठीक है? एक प्लेन बोर्ड होता है, जो पहले के मदर बोर्ड आते थे, ठीक है, वो एक्सटर्नल बोर्ड या ऑन, उसको हम प्लेन बोर्ड बोलते थे। वहां पे ये सभी इंटरफेस नहीं होते थे कनेक्टिविटी करने के लिए। हमारे पास क्या ऑप्शन रहता था उस समय, एक्सपेंशन स्लॉट के द्वारा हम लोग एक्सटर्नल कार्ड लगा के सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे। कुछ पॉइंट आपको जानना है इंटरव्यू के लिए, एक्सपेंशन स्लॉट क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है एक्सपेंशन स्लॉट। तो एक्सपेंशन स्लॉट बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट किस लिए काम में आता है, ये देखो, यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट है, अभी हम बता दे रहे हैं इसके बारे में, आगे पहले देख देते हैं। तो ये मदरबोर्ड हो गया, और इसके बाद यहाँ पे, यस, दो तरह के इसके मदरबोर्ड सेगमेंट होते हैं, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड एंड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड मतलब मदरबोर्ड के ऊपर ही सारे पोर्ट इंटरफेस रहेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पे नहीं रहेगा कुछ भी। तो पहले का जो मदरबोर्ड हुआ करता था वो सभी नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड था, जिसपे हमें क्या करना होता था, एक्सपेंशन स्लॉट पर एक्सटर्नल कार्ड लगाकर हम इंटरफेस बना के यूज करते थे। बट आज के डेट में सब कुछ इंटीग्रेटेड है, मदरबोर्ड के ऊपर ही आपको वीजीए पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, लैन पोर्ट, सारे पोर्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है? और पहले के मदरबोर्ड में आपको ये नहीं मिलता था। तो हम क्या करते थे, ISS स्लॉट के ऊपर हम एक्सटर्नल कार्ड लगा के हम यूज करते थे, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली मदरबोर्ड के तीन मेजर ब्रांड होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए होता है, डेस्कटॉप के लिए मदरबोर्ड लेते हैं, लैपटॉप के लिए मदरबोर्ड लेते हैं, और एक सर्वर के लिए। तो अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो इजी अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपग्रेड कर सकते हैं इसको, है ना, एडिट कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं इसको, इजिली कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है? तो इजिली इसको अपग्रेड किया जा सकता है, रिस्क फ्री है। और अगर लैपटॉप की बात करें तो रेयरली करते हैं, कम करते हैं इसको, कम चांसेस रहता है। तो ज्यादातर अगर लैपटॉप के मदरबोर्ड में होता तो उसको एक्सचेंज करना ही ज्यादा सही रहता है। और सर्वर मदरबोर्ड को तो बहुत रेयर में करते हैं, मतलब करते ही नहीं है एक तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? तो इसकी, इसमें चेंज करना इतना इजी नहीं रहता है, क्योंकि बहुत महंगा रहेगा, इजी नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये तीन ब्रांड होते हैं हमारे मदरबोर्ड के, कौन कौन, डेस्कटॉप, लैपटॉप के लिए और सर्वर के लिए। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं ये टाइप्स है मदरबोर्ड के, बेसिकली तीन टाइप्स पे आपको ध्यान देना है, एटी, ATX एंड BTX। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे देखिए, ATX, ATX मिनी, ATX, है ना, और BTX, बस आपको ये ध्यान रखना है, ATX, AT, ATX एंड BTX। AT पहले मदरबोर्ड, ओल्ड टाइप्स का मदरबोर्ड था, फिर ATX और BTX, अभी BTX मदरबोर्ड हम लोग बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड हम लोग यूज करते हैं। AT का पूरा नाम होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, ATX का नाम होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और BTX का होता है बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है?
बसेस की जो बात कर रहे हैं, मदरबोर्ड के ऊपर जो बसेस होते हैं, जो लाइनिंग दिखती है ना, अगर यहाँ देख सकते हो पतली पतली लाइनिंग, यहाँ वैसे नहीं दिखेगा, आप मदरबोर्ड लेके देखना तो पतली पतली लाइनिंग ऐसे दिख रही होंगी, उनको हम बसेस बोलते हैं। ये तीन तरह के बसेस होते हैं, ठीक है। ये डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, और कंट्रोल बस होता है। सॉकेट होता है, सीपीयू का सॉकेट है। देखो ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये सीपीयू का, यहाँ पे सीपीयू का सॉकेट है, मतलब मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड यहाँ पे देखिए, ये मदरबोर्ड के ऊपर ये जो सीपीयू जहाँ लगाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। और मदरबोर्ड में ये देखिए, ये सभी सॉकेट है, ये सॉकेट है, इसको हम स्लॉट बोलते हैं। जैसे हम रैम लगाते हैं, कहते हैं रैम स्लॉट, है ना। तो सॉकेट और स्लॉट में अंतर समझ में आया आपको? ये सॉकेट होता है और ये वाला स्लॉट होता है, ठीक है। स्लॉट में क्या क्या आते हैं? आईडी स्लॉट होता है, अब ये नहीं आ रहा है, जिसमें हम हार्ड डिस्क या डीवीडी लगाते थे, 40 पिन का हुआ करता था, अब आज के डेट में साटा इंटरफेस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा है अब। और इसके बाद जो है, ये देखिए मदरबोर्ड के ऊपर सारे इंटरफेसेस दिख रहे हैं आपको। सीमोस बैटरी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बताता रह रहा हूँ, इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे आपसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे सॉकेट और स्लॉट में अंतर पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉकेट एंड स्लॉट, आप बता दीजिए। सॉकेट जो होता है राउंड में रहेगा, और सॉकेट स्लॉट जो होता है, जैसे इंटरफेस रैम के लिए हम स्लॉट का यूज करते हैं, ठीक है। सॉकेट हम बेसिकली प्रोसेसर के लिए यूज करते हैं सॉकेट, अभी आज के डेट। और इसके बाद ये क्या है, मेमोरी स्लॉट हो गया। सीमॉस बैटरी, सीमॉस बैटरी जो होती है ये क्या होती है, ये जो हमारी डेट टाइम सेटिंग या बायोस की जो भी हम सेटिंग करते हैं, ठीक है, उस सेटिंग, वो सेटिंग को जब हम सेव करते हैं तो उसी कंडीशन में वो बना रहे, ठीक है। उसकी सेटिंग कहाँ पे होती है, हमारे बायोस में होती है, ठीक है, जिसको रोम बायोस बोलते हैं। और उसको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कौन करता है, ये सीमॉस बैटरी यही चार्ज करती है। अगर ये सीमॉस बैटरी अगर फेल हो जाए, मतलब ये डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, जो हमारा बायोस रोम है उसको पावर सप्लाई नहीं देगा, तो क्या होगा, डेट टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। और कोई भी बायोस के अंदर आपने कोई सेटिंग कर रखा है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये उसको पावर सप्लाई का काम करती है, देती है, मतलब क्या है, जो भी सेटिंग होती है सीमोस के अंदर, ठीक है, सीमोस रैम हम बोलते हैं उसके अंदर जो भी सेटिंग हम करते हैं, सीमोस रैम या बायोस रैम बोलते हैं उसको हम, उसके अंदर जो भी सेटिंग हम करते हैं उसको कौन मेंटेन करता है, ये सीमोस बैटरी। अगर ये सीमॉस बैटरी ना रहे तो डेट टाइम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सीमॉस बैटरी की वजह से आप 10 दिन के बाद भी कंप्यूटर ओपन करोगे तो आपको राइट टाइम डेट आपको मिलता है, ठीक है। और सीमॉस का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका पूरा नाम होता है। ये 3 वोल्ट का आता है, ठीक है, ये नंबर आपको हमेशा यही मिलेगा, 2032, ठीक है, 3 वोल्ट का ये रहता है। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो इसको, 1.5 वोल्ट से 3.0 वोल्ट अगर मिल रहा है तो जान लीजिए सही है, अदरवाइज इसको आप चेंज कर दो। ये बहुत सस्ता रहता है, यहाँ देखिए मदरबोर्ड में ऐसे दिखता है आपको, तो ये बड़ा जरूरी होता है। आपको लगता है 10-20 रुपए वाला सामान है, ये नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन ये बहुत काम का है। अगर डे टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी आपको सर्वर में रुला देगा, आपका सिंक ही नहीं हो पाएगा डेटा, अगर दूसरे लोकेशन से आप कनेक्टिविटी कर रहे हो तो, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, राइट। तो ये सीमॉस बैटरी हो गए, और आगे बढ़ते हैं। ये सीमॉस बैटरी आप देख सकते हो मदरबोर्ड के ऊपर कैसे दिख रहा है, यस, यही मैं दिखाना, एक्सपेंशन स्लॉट मैंने बोला, मदरबोर्ड के ऊपर
जो ऑन बोर्ड हमारे होते थे एक्सपेंशन स्लॉट आता है। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है तीन प्रकार का होता है। एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्सपेंशन स्लॉट तीन प्रकार का होता है, कौन कौन? आईएससी, पीसीआई और पीसीआई एजीपी, ठीक है। ये तीन तरह के स्लॉट होते हैं। और अगर आईएससी देखोगे पुरानी मदरबोर्ड में, जो एटी मदरबोर्ड हुआ करता था, लंबा लंबा सा ऐसे होता था ये ब्लैक कलर का, ठीक है, ये आईएससी स्लॉट। अभी नहीं आता है, आज के मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा आपको आईएससी स्लॉट। तो एक्सपेंशन स्लॉट का काम क्या होता है? दो चीजें, एक तो अगर आपका नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड है, मतलब एक ऐसा मदरबोर्ड जिसके ऊपर कोई इंटरफेस नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास ऑप्शन क्या था पहले के मदरबोर्ड में, ऐसे एक्सपेंशन स्लॉट लगे रहते थे, मतलब आईएससी स्लॉट, ढेर सारे आईएससी स्लॉट लगे रहते थे। तो हम क्या करते थे, अलग अलग इंटरफेसेस के लिए एक्सटर्नल कार्ड का यूज करते थे। एक्सटर्नल कार्ड बोले तो आज के डेट में भी, जैसे मान लो आपके मदरबोर्ड में जो आपका लैंड पोर्ट है ना, RJ45 पोर्ट है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, या तो काम कर रहा है, एक और नेटवर्क चाहिए, दो नेटवर्क आपको यूज करना है एक ही कंप्यूटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही नेटवर्क रहेगा ना, एक नेटवर्क आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाना है। क्या लगाएंगे आप, मार्केट में जाओगे दुकान पे और कहोगे हार्डवेयर दुकान पे कि हमें एक्सटर्नल लैंड कार्ड दे दो, तो ये ऐसा कार्ड देगा, इस टाइप से रहेगा और यहाँ पे इंटरफेस बना रहेगा RJ45 का, और इसी को आप इसमें फिट कर दोगे और ये इंटरफेस आपका बाहर आ जाता है, तो इसी को हम एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। ये तीन प्रकार का है मैंने बताया, या ये से पीसीआई एंड एजीपी। तो आज के डेट में आपको पीसीआई एक्सप्रेस, पीसीआई में कई सारे हैं, या एजीपी ये मिलेगा, आईएससी नहीं है पुराने वाले में, ठीक है। तो एक्सपेंशन स्लॉट समझ में आ गया आपको, तो पीसीआई भी लगभग लगभग खत्म है, एक या दो रहता है, किसी किसी मदरबोर्ड में एक ही रहेगा नहीं तो दो रहेगा, क्योंकि सभी कुछ ऑन बोर्ड है। ये फिर भी दे रखा है, क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर कोई भी इंटरफेस आपका काम नहीं कर रहा है जो इंटीग्रेटेड है, तो आपके पास ऑप्शन है एक्सटर्नल कार्ड ऐसा खरीदो, 200 रुपये 250 रुपये मिलेगा, और पीसीआई स्लॉट पे लगा के अपना काम चला लो, तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके डेस्कटॉप में वीजीए पोर्ट नहीं काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, आप वीजीए एक्सटर्नल कार्ड ले आओ, एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाओ और काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट है। आईएसए का पूरा नाम होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, यहां देख सकते हैं, ठीक है। ये पुराना, ये वाला जो ब्लैक कलर का मैंने बोला, देख रहे ना यहाँ पे, ये देखिए, ये अलग अलग इनके हैं, एजीपी स्लॉट, ठीक है। एजीपी का पूरा नाम होता है एक्सेलरेटेड एक्सेलरेट ग्राफिक पोर्ट्स और पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन, ओके। ये होता है पीसीआई का, पीसीआई में अलग अलग है, देख लीजिए। मदरबोर्ड पे आपको ऐसे दिखेंगे, देख लीजिए, जब एक्सटर्नल कार्ड हम लगाते हैं तो ये इस साइड में आ, जैसे ये सब इंटरफेसेस है ना आपके, जो ये इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं बाहर में आ जाता है, वैसे यहां से लगाएंगे हम कार्ड तो यहां पे आ जाएगा। चिपसेट सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जानना जरूरी है आपको। चिपसेट क्या होता है, एक चीज मैं बता दूं, हमारा जो मदरबोर्ड होता है ना, हमारा मदरबोर्ड दो तरह का होता है, एक ओरिजिनल बोर्ड और एक चिपसेट बोर्ड। पता है ओरिजिनल बोर्ड लगा है, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे ना, अगर तो एक ही मदरबोर्ड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है क्या, ओरिजिनल मदरबोर्ड, और वो है इंटेल। इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, ओरिजिनल मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है, और बाकी सभी क्या है, चिपसेट बोर्ड बनाते हैं। अब चिपसेट मतलब डुप्लीकेट मत समझ लेना,
चिपसेट का मतलब क्या समझना, और एक मदरबोर्ड जो है ओरिजिनल बनाती है, कौन कंपनी है वो? इंटेल। और चिपसेट में कई सारी कंपनी है, गीगाबाइट है, एथरोक है, आसूस है, एमएसआई है, क्रिप्टॉन इलाइट ग्रुप है, बायोस्टार है ना, बहुत सारे। अब एचपी डेल का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, एचपी डेल एचपी भी है लेकिन एचपी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कुछ गिने चुने नाम है, 10-12-15 कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रियल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मदरबोर्ड, और उसमें से एक ही कंपनी है जो ओरिजिनल मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी सभी क्या करती है मालूम है, ये प्लेट ले आएगा, कंपोनेंट ले आएगा, सब कुछ ले आके क्या करेगा, असेंबल कर देगा, बड़ा सा अपना लोगो लगा लेगा एचपी का, डेल का, ये तो उनका कब मदरबोर्ड हो गया। बट रियल में वो लोग क्या है, असेंबलर है, वो लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चरर कुछ ही कंपनीज हैं, गिने चुने नाम है जिसको आप अंगुली पे गिन सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें से कहानी ये कि चिपसेट और ओरिजिनल बोर्ड में क्या अंतर है। तो ओरिजिनल बोर्ड एक ऐसा मदरबोर्ड होता है जिसपे सारे कंपोनेंट उसी कंपनी का हो, तो एक इंटेल ही ऐसा है जो सारे कंपोनेंट अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब बाकी सभी जो हैं मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर, वो लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड का प्लेट और ये सभी तो इंटरफेसेस करते हैं, बट चिपसेट जो है ना, चिपसेट ये लोग क्या करते हैं, दूसरे कंपनी से परचेस करते हैं। जैसे कौन कौन मदरबोर्ड, गीगाबाइट, एथरोक, एमएसआई, क्रिप्टॉन, इलाइट ग्रुप, फेस्टा, बायोस्टार, ये सभी है ना, ये सब मदरबोर्ड क्या करते हैं, सब चिपसेट मदरबोर्ड है। ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ इनका रहेगा बट चिपसेट जो है ये लोग दूसरी कंपनी से बाय करते हैं और उसको अपने मदरबोर्ड पे फिक्स करते हैं। और वो चिपसेट बनाने वाली कंपनियां कौन कौन है, कुछ कंपनीज हैं चिपसेट के नाम मैं बताता हूँ, एएमडी है, इंटेल खुद है, इंटेल भी बनाती है। तो आप देखोगे कभी कभी गीगाबाइट का मदरबोर्ड उस पर इंटेल का चिपसेट रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इंटेल का मदरबोर्ड नहीं, इंटेल का चिपसेट है वो, एमडी का भी हो सकता है, ठीक है। कई सारी एसर इंडिया लिमिटेड का है, ठीक है, कई सारी चिपसेट कंपनी जो चिपसेट बनाते हैं। अब चिपसेट में कौन कौन होते हैं, चिपसेट में कौन कौन होते हैं, बेसिकली दो चीजें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन, नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज, इसके बारे में जानना इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड में अगर इंटरव्यू के लिहाज से देखेंगे तो एक्सपेंशन स्लॉट मैंने बताया, सीमॉस बैटरी के बारे में मैंने बताया, और अब मैं बता रहा हूं नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम को अपने माइंड में आप बैठा लीजिए, याद कर जाइए इसको, यही चिपसेट है। देखो ये नॉर्थ ब्रिज किसको किसको सप्लाई कर रहा है, एजीपी स्लॉट को, सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर को, रैम को, सबसे इंपॉर्टेंट यही है देख लो। और हमेशा नॉर्थ ब्रिज माइक्रो प्रोसेसर के बगल में रहेगा, इर्द गिर्द रहेगा ये नॉर्थ ब्रिज, ध्यान देना है। और साउथ ब्रिज कहीं किनारे रहेगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और साउथ ब्रिज किसको किसको सप्लाई दे रहा है ये देख लीजिए, बस यही इंटरव्यू के लिहाज से है, ये इसको याद कर जाना आपको, कि नॉर्थ ब्रिज जो होता है रैम सीपीयू जो स्टैंडर्ड डिवाइसेस हमारे हैं एजीपी स्लॉट, इन लोगों को दे रहा है, और साउथ ब्रिज बाकी कुछ एक्सटेंडेड डिवाइसेस को भी दे रहा है सप्लाई, ठीक है। और इसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पे, ये माइक्रो प्रोसेसर के पास में जब है वो क्या है, नॉर्थ ब्रिज है, यहाँ पे आप देख सकते हो मदरबोर्ड पे, ये माइक्रो प्रोसेसर के जस्ट बगल में है, ये नॉर्थ ब्रिज है, ये नॉर्थ ब्रिज, और यहाँ पे साउथ ब्रिज है। ये कहीं और भी हो सकता है, लोकेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्थ ब्रिज जो है ना हमेशा इसी माइक्रो प्रोसेसर के इर्द गिर्द रहेगा, पास में, नियर टू द माइक्रो प्रोसेसर, बस ये आइडेंटिटी है, इसके ऊपर हीट सिंक लगा रहेगा, ठीक है, ये आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हो।
ग्राफिक कार्ड है, ये ऑडियो कार्ड है, मतलब एक्सटर्नल कार्ड जो भी है आपको लगाना है तो लगा सकते हैं सब। ये NIC कार्ड है जो नेटवर्क कार्ड हमारा होता है। ये बैक पैनल है जो मदरबोर्ड के उस पे रहेगा, जो कैबिनेट बॉक्स के बाहर में आता है। अभी पुराना टाइप में है, इसमें PS2 है, अभी PS2 नहीं आएगा, लेटेस्ट मिलेंगे। तो USB केबल रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, पैरेलल पोर्ट प्रिंटर के लिए होता है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट 25 पिन का होता है प्रिंटर के लिए। अब ये जा चुका है, अभी जो भी आप इंटरफेस प्रिंटर के लिए लेंगे तो क्या रहेगा, USB रहेगा आज के डेट में। तो ये भी जा चुका है। और इसके बाद VGA पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट है, ठीक है। तो लैन पोर्ट है, सभी ये इंटरफेसेस हैं। राइट, तो ये हो गया। और इसके बाद ये कुछ पोर्ट्स हैं हमारे, PS2 पोर्ट, लैन पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, है ना। USB 3.0, USB में दो रहता है, एक 2.0 और एक 3.0, ठीक है। 3.0 की स्पीड फास्ट होती है, तो ध्यान देना, जब पेन ड्राइव भी आप खरीदते हैं ना तो हमेशा 3.0 लेना है। फिर सीरियल इंटरफेस है, VGA, USB। ये कुछ केबल और कनेक्टर हैं, जैसे आज के डेट में कन्वर्टर होता है, अगर आपके पास HDMI है, VGA पोर्ट नहीं है तो VGA से HDMI, HDMI से VGA, है ना। USB टू PS2, PS2 से USB, मतलब एक नहीं है तो दूसरे से कन्वर्जन करके आप काम चला सकते हो, ठीक है। तो ये कन्वर्टर होते हैं, कनेक्टर या कन्वर्टर इनको हम बोलते हैं। तो ये तो हमारा मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड के कुछ हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। जैसे मान लो आपका कोई डेस्कटॉप है और उसका आप चाहते हो कि उसका चेक करना है कि मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक है, और इसमें कितना रैम लग सकता है, प्रोसेसर कौन सा लगेगा, कितना अपग्रेड कर सकते हो आप, ठीक है, आप मैक्सिमम कितना प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हो। तो ये सब चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप कमांड में पता चल सके। मॉडल नंबर अगर आपको मालूम है तो इंटरनेट में जाके आप पता कर सकते हो, नहीं तो अगर मॉडल नंबर भी नहीं मालूम है तो आपको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, कमांड में जाना है, रन में जाओ, CMD में जाओ, और यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी है। कमांड आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये कमांड है WMIC, WMIC, WMIC कमांड हमेशा यूज होता है इसके लिए, चाहे रैम हो गया, मेमोरी के लिए, चाहे मदरबोर्ड के लिए। WMIC बेस बोर्ड गेट प्रोडक्ट कॉमा लगा दो, मैन्युफैक्चरर कॉमा लगा दो, और वर्जन वर्जन रहेगा, देन वर्जन एंड और क्या हमें मालूम करना है इसका, मतलब मेन ये होता है यहाँ, WMIC बेस बोर्ड गेट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की बता देगा, मैन्युफैक्चरर बता देगा, और वर्जन अगर आपको जानना ही, इसके बाद अगर सीरियल नंबर भी जानना चाहते तो आप सीरियल नंबर यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको सीरियल नंबर नहीं चाहिए तो बस यहीं पे एंटर कर देना है, तो अगर सीरियल नंबर भी चाहिए तो आप सीरियल नंबर भी दे दो। आप इस कमांड को देख लो, अभी मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या क्या है, सिंटेक्स क्या क्या है, अगर आपको
यहाँ पे WMIC बेस बोर्ड ये मैंडेटरी है, गेट प्रोडक्ट। इसके बाद मैन्युफैक्चरर जाना है, क्या PHP है, डेल है, क्या है वो बता देगा, वर्जन कौन सा है, ये अगर नहीं डालेंगे तभी कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग आपको मिल जाएगा। सीरियल नंबर अगर आप दे रहे हैं तो सीरियल नंबर भी बता देगा आपको। और अगर हमें यस बस यही है, तो इस कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिस्टम एंटर, ये यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। देखो ये कमांड जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, और आपको क्या करना है, देखो सीरियल नंबर आ गया, वर्जन आ गया, ये प्रोडक्ट है हमारा, है ना, इसको आप कॉपी कर लो। ये एक्चुअली क्या है, हमारा लैपटॉप है। अगर ये कमांड डेस्कटॉप में डालेंगे तो वहां पे इग्जेक्ट आएगा। और एक बात मैं बता दूं, डेस्कटॉप में जो मदरबोर्ड होता है ना, ज्यादातर जी से स्टार्ट होता है या बी से स्टार्ट होता है, जी एल ए, जी एस, जी एल, ऐसे करके रहेगा, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट होता है। और ये लैपटॉप है तो लैपटॉप में डायरेक्ट है ऐसे। अब इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, जो हमारा प्रोडक्ट है मतलब मॉडल नंबर है, इसको हमने कॉपी कर लिया। और आप क्या करो, इंटरनेट में चले जाओ, इंटरनेट में क्या करना है हमें, यहाँ पे जस्ट टाइप कर देना, इसको पेस्ट कर देना है, और इसका स्पेसिफिकेशन पूरा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करो, पहले लिंक पे ही क्लिक करना है, और यहाँ पे पूरा इस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखो HP का मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा मिल जाएगा। यहाँ मदरबोर्ड डिस्क्रिप्शन है, ये मदरबोर्ड किसका है भैया, देखो HP का है, ये क्या क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या क्या है इसका दिखा देगा, ठीक है, पूरा डिटेल दिखा रहे हैं यहाँ पे। चिपसेट कौन सा, देखिए इंटेल का चिपसेट मैंने बताया ना अभी, तो इसमें कौन सा चिपसेट लगा है, इंटेल का। प्रोसेसर अपग्रेड इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर आप कितना तक इसमें लगा सकते हो, प्रोसेसर आप कितना तक लगा सकते हैं ये दिखाए, पूरा i5 लगा सकते हो, मतलब ये दिखाएगा पूरा स्पेसिफिकेशन, मैक्सिमम कितना ये पूरा पढ़ेंगे आप देख लीजिए, i3, i5, कौन कौन सा मॉडल लगा सकते हैं, कौन कौन सा लगा सकते हैं। मेमोरी अपग्रेड इंफॉर्मेशन कितना कर सकते हैं आप, DDR4 है ना, कितना पिन, कितना सॉकेट का, 4 GB अप टू 8 GB अपग्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है। वीडियो है, ऑडियो, नेटवर्क, नेटवर्क देखो 100 बेस T, 100 बेस T मतलब क्या, 100 सॉरी 1000, 1000 बेस T मतलब 1000 Mbps, 1 GBPS की स्पीड है इसकी, हमारे लैपटॉप का जो इथरनेट पोर्ट है उसका स्पीड। एक्सपेंशन स्लॉट में क्या क्या है यहाँ दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देख लो कौन कौन सा एक्सपेंशन स्लॉट लगा हुआ है इसमें, ठीक है, IO पोर्ट में कौन कौन सा लगा हुआ है, तो पूरा स्पेसिफिकेशन आप यहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप का देखना है, डेस्कटॉप मतलब मदरबोर्ड ओपन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, कैबिनेट बॉक्स ओपन करने की आवश्यकता नहीं, कमांड के द्वारा आप पूरा चेक कर सकते हो। जैसे आपको चेक करना है कि आपके मदरबोर्ड में रैम मैक्सिमम कितना लग पाएगा, ठीक है, तो आपको यही कमांड देना है, और अपने कहाँ पे आ जाना है, मेमोरी अपग्रेड इंफॉर्मेशन में, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सब, यहाँ पे देखिए सपोर्ट है ना 4 GB एंड 8 GB, ये ध्यान देना। ऐसे आ जाएगा, प्रोसेसर देखना रहेगा तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अब मैं